उत्तराखंड के विकास नगर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया और धामी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शक्ति नहर में क्लोजर का काम चल रहा है। पीसीसी चीफ करण महारा का कहना है कि 20 करोड़ की लागत से क्लोजर का काम हो रहा है, जिसे पूरा करने के लिए एक महीने का समय तय है, लेकिन इतने कम समय में क्वालिटी का काम कैसे हो सकेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रशासन पर क्लोजर की आड़ में अवैध खनन कराने के आरोप लगाए। कि आप लोगों ने जो शुरुआत में इस सब चीज़ को अपने चैनल्स में दिखाया था, उसका काफ़ी असर पड़ा है और लोगों में अवेयरनेस आई है। और जो क्लोजर की आप बात कर रहे हैं, पहले तो क्लोजर ही ये गलत टाइम पे हुआ। आज तक आज़ादी से आज तक शक्ति नहर में इस समय जब पीक आर समय उसमें क्लोजर नहीं किया जाता, यहीं पर सबसे बड़ी सत्ता है। और जो दूसरा सबसे बड़ा घोटाले की जो जड़ है, इसको समझने की जरूरत। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक आदेश पारित हुआ कि हिमाचल प्रदेश से बना हुआ माल नहीं लाया जाएगा, वहीं से इसकी शुरुआत हुई घोटाले की। आप चाइना का माल खरीद सकते हैं, अमेरिका का खरीद सकते हैं, चाइना का खरीद सकते हैं, लेकिन अपने देश के हिमाचल प्रदेश के बने बनाए सामान को आप नहीं ला सकते। मतलब खनन से संबंधित जैसे क्रशर का माल है इत्यादि नहीं ला सकते। आदेश इस सरकार ने पास किया, उसके बीच यही नियत थी। और धूली बजरी भी नहीं आ सकती थी, क्रशर का माल नहीं आ सकता था। और वजह यही थी कि नियत ये थी कि ये करेंगे।